अपने पास नहीं है। ऐसे क्या कुछ मेमोरीज है जो मतलब यादें अपनी फ्रेंडशिप डे को लेके कभी बचपन में मनाई होगी या पहले कभी एक एक जुड़ी हो बताओ। मेरे तो कोई ऐसी यादें हैं नहीं क्योंकि फ्रेंडशिप डे वहाँ पे छोटे शहर में इतना ज़्यादा चलन नहीं है। फ्रेंडशिप डे अभी ज़्यादा हो गया मतलब फिलहाल दो चार सालों से ही ज़्यादा हो गया है। नहीं और दूसरी जगह मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने को कोई डे नहीं होता नहीं होता है। जब आपको लगे जब आपको दिल में चाह तो किसी भी चीज़ दिल की से तो आप तब सेलिब्रेट कर सकते हो। कुछ देना है या फिर खुशी कोई चीज़ बांटनी है या दुख बांटना है तो उसके लिए फ्रेंडशिप डे ये चीज़ें ऐसी है जो हमने बनाई है। अब जब हमारी जन्म होता है तो वो हम कह सकते हैं वो सेलिब्रेट करेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन फ्रेंडशिप डे वैलेंटाइन डे ये हमारे लिए बनाए हुए गए तो कभी भी बना लो जब दिल करे। इतना क्या लोड लेना। फिर भी कुछ तो प्लान किया होगा क्या। हाँ प्लान किया है कि फ्रेंडशिप डे पे मैं इनको घुमाने ले जाऊँगा डिनर। सच्ची अब तुम तो तुम कुछ दे नहीं रही। इनको मैं लेके जाऊँगा डिनर पे जहाँ बिल भरेंगी ये तो दोनों का हो गया। मैंने भी ट्रीट दी इन्होंने भी ठीक है चलेगा। प्लान मेरा इनके ठीक है विश कर देंगे। किसको अपने आप को क्या पागल अपने आप को नहीं उनको अपने एक दूसरे को तो करेंगे ना। लाओ हाथ दो राजश्री रानी। अरे रुक जा कुकड़ी नहीं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे इन एडवांस राजश्री रानी। सभी दर्शकों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्त बनाइए ढेर सारे दोस्त बनाइए और दोस्त बहुत प्यारे होते हैं जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। कभी कभी आप अपने भाई से या फिर जो बातें अपनी फैमिली से नहीं कर पाते हैं वो आप दोस्तों बिल्कुल, से बिल्कुल, कर पाते बहुत, हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं दोस्त लाइफ के बहुत, तो बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और जो अपने सारे फ्रेंड्स को मतलब जिसके भी बेस्ट फ्रेंड हैं सरप्राइज़ दीजिए और अच्छा लगेगा अच्छा। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अपने दोस्तों को एहसास दिलाइए कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खास है जो उनकी केयर करता है।